कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और हम ये हमें बताती है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपरटेनियस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, कि जो हाइपरटेनियस साइड होती है ये जो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है ये आपकी हाइपरटेनियस है और इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ अदर टू साइड, यानी कि इन दोनों साइड के सम के इज इक्वल टू। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो आपका हाइपरटेनियस है इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हमें प्रूव करना है। और इसी के प्रूवमेंट को, इसको जो हम प्रूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेनियस थ्योरम। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। मेरे साथ ऐसा बना हुआ है, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे से ऐसा कर दूंगा, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसका प्रूव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए सी। बी से यहाँ पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और इसको नाम दे दिया हमने डी। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो बी डी है वो आपका परपेंडिकुलर है ए सी पर। अब ये परपेंडिकुलर हुआ, इट मीन्स ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। तो आइए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस थ्योरम के लिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सीखना है, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, और ना आपको कभी रटना और ना माइंड पे कोई भी लोड होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम ये छोटा ट्रायंगल लेंगे, छोटा ट्रायंगल आपका ए डी बी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी और इस छोटे से ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे इस पूरे ट्रायंगल से ए बी से। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो हमने क्या किया, इससे छोटे ट्रायंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, बड़े ट्रायंगल के साथ में। अब बड़े ट्रायंगल के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो देखते हैं। हमें पता है कि सिमिलर कब होते हैं, जब कोई या तो टू एंगल इक्वल हो या फिर साइड एंगल साइड टू साइड और उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, साइड और उनका जो कोरस्पोंडिंग एंगल है इन दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल हो तो तब भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें सिमिलरिटी रूल लगाते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि इन ट्रायंगल ए डी बी, ये ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है बेटा ए बी सी, और इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए तो कॉमन है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। अब सेकंड देखते हैं, एंगल डी क्या है आपका, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। और यहां पे क्या था, ये भी तो ए बी सी में ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल, एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी हो गया आपका, और डी इक्वल टू बी हो गया, तो ये भी इक्वल है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। अब बाई एंगल एंगल क्रिएशन से आपका एंगल ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, इसको लिख देते हैं, सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल क्रिएशन, एंगल एंगल क्रिएशन। ओके, अब आइए देखते हैं इनमें। अब हमें पता है कि जो हमारे एंगल जो होते हैं, जो हमारे ट्रायंगल जो है, जितने भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं उनकी सिमिलर साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखते हैं, अब यहां पे कंपैरिजन करते हैं हम किसमें, ए डी बी में और ए बी सी में। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये ट्रायंगल थोड़े से इसके अंदर रखे हुए हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए इन दोनों को अलग अलग निकाल देता हूं, वो अलग अलग निकाल दूंगा तो आप आसानी से बता दोगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ए डी बी जो है वो निकाल दो इसमें से अलग से, ए डी बी अभी आपका 90 डिग्री। अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, देखो यहां पे आपका ए डी बी ऐसे है और ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे है, तो मैं क्या करूंगा इस ट्रायंगल को भी इसके जैसा बना लूंगा, ए बी सी को भी। कैसे, समझने के लिए देखिए, ये ट्रायंगल आपका ऐसा है, ये ट्रायंगल आपका ऐसे रखा हुआ है और ये जो ट्रायंगल है आपका ऐसे रखा हुआ है, तो मैं अगर इस ट्रायंगल को यहां से उठा के ऐसे पलट देता हूं तो आपको ये इसके जैसा दिखाई देगा, देखो ऐसे पलट के और ऐसे कर देता हूं सीधा, तो जैसे मैं इसको पलटूंगा तो यानी कि मैंने इसको डी से पकड़ा और उसको ऐसे पलट दिया, तो जब मैं इसको पलटूंगा तो ये जो बी वाला है ऐसे पलट के जाएगा ये,
एस इज सी का, तो ये जो आपकी साइड है ये कितनी होगी आपके, देखें यहाँ पे बी तो 90 डिग्री है, ये आ गया, आपने क्या किया सी को उठाया और ऐसे पलट दिया उस तरफ, तो ये सामने क्या चला गया सी, और ये आपका ए हो गया, तो ए बी सी। अब लगाते हैं इसमें, आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल के जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है उनका रेशियो क्या होता है आपका, इक्वल ही होता है। तो आइए देखते हैं, यहां पे ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो पहले इसकी साइड रखी हमने ए डी, इससे साइड रखी ए बी, तो इसकी साइड ये हाइपोटेन्यूस ए बी, और इसके कोरस्पोंडिंग यानी कि जो साइड यहां पे है वही साइड यहां, जो इसके कोरस्पोंडिंग में है वही इसके कोरस्पोंडिंग साइड, ये क्या है आपका ए सी। अब क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की ए बी से कर देंगे और ए डी की ए सी से, तो ये आपका हो जाएगा ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और इसको नाम दे देंगे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, आइए चलते हैं आप सेकेंड पे। अब आपको क्या करना है, सिमिलर जो आपने काम इस तरफ किया वही आपको इधर करना है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी एंड ट्राइंगल वही ए बी सी। अब आपको क्या करना है सेकंड टाइम में, जो इस टाइप इस तरफ का जो ट्राइंगल है ये वाला, जो इस साइड का ट्राइंगल जो है ये छोटे वाला, इसको पूरे को कंपेयर कर देंगे किससे, बड़े ट्राइंगल के साथ में। तो आइए देखते हैं, इस ट्राइंगल को जब बड़े ट्राइंगल से हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये तो मैंने ऐसा का ऐसा ही बी डी सी जो है अलग निकाल दिया इसमें से, और फिर इस पूरे का कंपेयर किसके साथ कर दिया, बड़े वाले ट्राइंगल के। अब यहां पर आप देखिए, ये आपका है ये वाला ट्राइंगल जो मैंने ऐसा कैसा ही एटीट्यूड यहां पे बना दिया, ओके। अब ये जो ट्राइंगल है ये कुछ ऐसा बना हुआ है उल्टा, अब मैं इसको भी इसी शेप में लेके आऊंगा, तो देखिए कैसे करेंगे, ये ट्राइंगल ऐसे है, इसको उठा के मैंने ऐसे पलट दिया और सीधा कर दिया, तो जब मैंने इसको उठा के ऐसे पलटा तो बी तो अपने पास ही रहेगा और ये जो सी है ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे बनेगा, बी यहां सी यहां, अब बचा क्या ए, तो ये ए बी सी, ये आपका बड़े वाला ट्राइंगल हो गया, ये आपका छोटे वाला ट्राइंगल हो गया। अब आप जानते ही हो जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है उनका रेशियो भी क्या होता है आपका, इक्वल होता है। आइए देखते हैं, अब यहां पे क्या है बी सी और यहां पे क्या है आपका डी सी, तो इसका लेंगे डी सी और इसके जो कोरस्पोंडिंग होगी वो बी सी होगी इज इक्वल टू, अब यहां पे साइड है आपकी बी सी और इस BC के कोरस्पोंडिंग है आपका AC। अब क्या करना है, जो वहां पे किया था हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका AC into DC इक्वल टू BC स्क्वायर। अब AC into DC इक्वल टू BC स्क्वायर, इसका नाम दे देंगे भाई इक्वेशन नंबर टू। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है, और हमें प्रूव क्या करना था, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपरटेनियस इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, अब भाई दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी इक्वल टू लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट साइड राइट में सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां से बेटा ए सी ले लेंगे कॉमन, ए सी हमने कॉमन लिया और डी सी प्लस ए डी इसके अंदर बचा इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी और फ्रॉम फिगर, फिगर से देखिए आप, ए डी प्लस डी सी, ये आपका ए डी है और ये आपका डी सी है। अब इन दोनों को ए डी प्लस डी सी क्या होगा आपका ए सी हो जाएगा, तो ए डी प्लस डी सी को फिगर से हम क्या रख सकते हैं, हम यहां से रख सकते हैं इंटू ए सी इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब